किसान भाइयों, अगर आपकी फसल गोबावस्था में आ गई है और हल्के से बालियां बाहर आने लग गई हैं तो आप 052-34 ये एनपीके है और 100 ग्राम बोरॉन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बोरॉन जो है ये परागण में सहायता करेगा, जिससे आपकी धान की पैदावार में होगी वृद्धि और दाने चमकदार भी होंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, आज हम धान के जो नए एक्सपेरिमेंट ट्रायल कर रहे हैं उसमें डालने जा रहे हैं 052-34 एनपीके जो होता है, सब लोग जानते हैं इसको, और उसके साथ डालेंगे हम 100 ग्राम बोरॉन और अलग घोल एक हम बना रहे हैं। उस घोल में हम ले रहे हैं एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और साथ में उसी बॉटल में प्लास्टिक वाली में डाइफेनोकोनाजोल है 11.4% वाला। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड्स हैं, ये फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको धान में कंट्रोल करने में सामर्थ्य रखती हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कई तरह के फफूंद जो हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं। देख रहे हैं आप कि इस डिब्बे में ये दोनों फंजीसाइड जो थे उनको पानी में हम घोल रहे हैं, डिब्बे से नाप रहे हैं और 10 टंकी स्प्रे करेंगे हम। ये एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल जो हैं इनकी मात्रा रहेगी 200 मिलीलीटर ml प्रति एकड़। ये भैया जो अभी पुड़िया सी खोल रहे हैं, इसमें पाउडर नुमा तो नहीं है, ये छोटे छोटे से टुकड़े से हैं, आप देखिए। ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीटों को ये नष्ट करेगा और इस पाउडर का नाम है पाइमेट्रोजाइन। ये 50% WG वाला है, इसकी मात्रा हमने ली है 120 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को, टेक्निकल्स को आपने एक अलग डिब्बे में घोलना है और 052-34 जमा 100 ग्राम बोरॉन को अलग डिब्बे में घोलना है। तो जब अच्छी तरह से घुल जाएं, बहुत जल्दबाजी करते हैं स्प्रे करने वाले भैया जो हमारे होते हैं, तो उनको कहिए ज़रा आराम से घुलने दीजिए और फिर बराबर बराबर मग्गे जो हैं हम स्प्रे टैंक में डालेंगे और 200 लीटर पानी कुल स्प्रे करेंगे हम। 20 लीटर की टंकी है तो हम 10 टंकी स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, ये जो हमने एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का सफ़ेद सा घोल लिया था 200 ml का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फंगीसाइड है जो कि फफूंद जनित कई बीमारियों को जो धान में अक्सर इस समय आ जाती हैं उन पर रोक लगाता है और जिससे पौधे सेहतमंद रहते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। जबकि पाइमेट्रोजाइन 50% WG वाला जो हमने डाला है, जो एक पाउडरनुमा फॉर्म में था, ये ब्राउन प्लांट हॉपर जो पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और आपकी जिस अवस्था में आजकल धान की फसलें चल रही हैं उनमें आ जाता है, तो ब्राउन प्लांट हॉपर को तुरंत नष्ट करता है। और ये दोनों ही जो हमने घोल डाले हैं, एक तो घोल था एक पाउडर था, ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है पाइमेट्रोजाइन और दूसरा जो है एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड्स हैं जो कि फफूंद की बीमारियों को नष्ट करेंगे। इन दवाओं के घोल जब हम स्प्रे करेंगे तो चाहे ये पत्तों के ऊपर ही दिखेंगे कि घोल वहाँ पर ही जा रहा है, मगर इनकी गुणवत्ता ऐसी है कि ये पत्ते के नीचे भी चले जाते हैं और
सिस्टेमिक होने के चलते ये पौधे की संरचना के अंदर भी चले जाने पे जो लगने वाली बीमारियां हैं या आने वाले कीट हैं उनके कांटेक्ट में, उनके संपर्क में जब आते हैं तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिनसे कि बहुत ही स्वस्थ धान की फसल जो है वो होती है और उससे भरपूर पैदावार लेते हैं किसान। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया है। और क्योंकि ये दोनों ही किस्में जो मैंने लगाई हैं ये बिल्कुल नई हैं, तो प्रिवेंटिव सावधानी के लिए और क्यूरेटिव अगर कोई बीमारी इनमें है हल्की सी, उन दोनों ही तरह से ये स्प्रे जो है सहायता करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फसल जो है बहुत अच्छी होगी। मैं रिज़ल्ट आपके साथ साझा करता रहूँगा। किसान साथियों, ये सही समय है जब आपकी फसल 70-75 दिन की है और वो गोब अवस्था में है, तो आप NPK 052-34 बोरॉन और जो फंजीसाइड हैं तेला चेपा के लिए या ब्लाइट के लिए, क्योंकि ये नई किस्म है तो मुझको नहीं मालूम है कि इसमें शीथ ब्लाइट या इसमें नेक ब्लास्ट आएगा कि नहीं, तो प्रिकॉशनरी मेजर सावधानी के लिए मैंने इनको बरता है। अगर आप लगा रहे हैं अन्य किस्में जैसे पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, तो उनमें IRI का ये मानना है कि झुलसा और झोंका दोनों ही रोग नहीं आएंगे, तो आप उनमें ये स्प्रे नहीं करें जैसा IRI ने बोला है। मैं क्या अनुरोध कर सकता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इसको किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि भैया स्प्रे कर रहे हैं और ये बासमती की किस्म है जो निसारे में आ गई है, निसरने लग गई है, इसमें दाना बनने लग गया है। बोरॉन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये पॉलिनेशन में, पर परागन में अब जब दाना बन रहा है और सीड सेटिंग में इसका जो दाना बनता है, सीड सेट होता है, बीज बनता है किस्म से, उसमें बहुत सहायक होता है। अतः आप भी 052-34 जमा बोरॉन को जरूर करें। किसान भाइयों, हम अक्सर कहा करते हैं कि खेती में खर्चा करें आप कम और अच्छी उत्पादकता लें, मगर उसके ये मायने नहीं हैं कि आप ज़रूरी जो सावधानियां हैं उनको नहीं बरतें। अच्छे केमिकल लगाएं और खाद पूरी दें ताकि लाभ हो आपको। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।